वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी ब्लॉग्स में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और विश कीजिएगा कि पूरा समाज, सभी लोग, हमारा जो भी सांसारिक ढांचा है, हम सब में सभी व्यस्त रहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए अच्छी कामनाएं करें तो शायद हम सबका कल्याण हो। हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चलिए, इट्स द डे 3। आपको पता ही है, 2-3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मीनाक्षी का बेबी हुआ है, हिमांशु और मीनाक्षी का। मीनाक्षी को हमने अपनी इस फिल्म का हीरोइन बना रखा है, इसीलिए हम मीनाक्षी का नाम ज़्यादा लेते हैं। बाकी ये हिमाक्षी का बेबी है, हिमांशु प्लस मीनाक्षी। और बेबी ठीक है, मीनाक्षी भी ठीक है। भाभी जी लगातार 9 महीने से, जब से प्रेगनेंसी पीरियड मीनाक्षी का चल रहा है, उसकी सेवा में लगी हुई हैं। रात से वो भी वहीं हैं, रात में नाइट ड्यूटी लेती हैं, साथ रहती हैं, हर तरह से उसकी देखभाल में लगी हुई हैं। और वो लड़की भी ऐसी है, शी डिज़र्व द सेम, क्योंकि वो भी सभी का बराबर सम्मान करती है। बहुत अच्छे संस्कार हैं उस लड़की के, भगवान उस पर आशीर्वाद बनाए रखें, हमेशा वो ऐसे ही रहे, हमारी मनोकामना है। और सुबह हम लोग आज निकले हैं मीनाक्षी के लिए, कुछ खाना वाना, खिचड़ी वगैरह बना के ले जा रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि 8 बजे से 12 बजे तक डॉक्टर्स विजिट पे आते हैं, तो मिलने का समय नहीं होता है। लेकिन सिर्फ आप कुछ अगर पेशेंट के लिए लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट अंदर जाके उसको दे सकते हैं, बस इतना ही होता है। भाभी जी रात भर से हैं तो अकेली होंगे, अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हमने सोचा बाहर ही बैठ जाएंगे, उनके लिए कंपनी हो जाएगी। और आज दिवाली का दिन भी है, अगर डॉक्टर्स ने कहा तो है छुट्टी दे देते हैं, अगर छुट्टी दे देते हैं तो आज दिवाली धमाका घर पर ही होने वाला है। मिलाएंगे आपको, लिए चलते हैं अभी हॉस्पिटल के। और देखिए, आज पायलट साहब हमारे भैया हैं। रोज आपने देखा होगा आदित्य चला के ले जाता, आज हमारे भैया के साथ हम जा रहे हैं, तो भैया आपको हाय कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं हॉस्पिटल में, थैंक यू सो मच। और कैमरा मैन हमारी एंजल हैं, जो कि पर्दे के पीछे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगी। चलिए आपसे मिलते हैं, लिए चलते हैं आपको हॉस्पिटल की तरफ। तो गाइस, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो चुकी है, देखिए एंजल और बड़े भैया जा रहे हैं मीनाक्षी की तरफ, लिए चलते हैं आपको साथ साथ। हैप्पी दिवाली मीनाक्षी। बेचारी मीनाक्षी दिवाली के दिन खिचड़ी खा के काम चला रही है, क्या करे, दिवाली के पटाखे छोड़े तो यही होगा। गंदा सा मुंह बना रही है। अभी हमारे बाबू हैं, छोटे छोटे प्याले प्याले बाबू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अब करो स्टार्ट। तो गाइस, छोटा छोटा बेबी हमारे पास, देखिए शैतान में भी है रोग आता है, इसकी मम्मी खाना खा रही है तो खाना भी नहीं खाने दे रहा है। ये छोटा सा बेबी हमारा, अब ये लड़का है या लड़की है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो भी है प्यारा बहुत है, शैतान भी बहुत है। सो गाइस देखिए, दीदी बच्चे को गोदी में घुमाते हुए, बच्चा करता हुआ शैतानी, मम्मी खाना खाने लगी तो इसने रोना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग इसे बाहर ले आए। देखिए देखिए, दीदी की गोद में घूम गए। एंड दीदी इज टू हैप्पी कि वो बच्चे को घुमा रही हैं, उनको मौका मिल रहा है, सब लोग खड़े हैं घर में, बड़े बड़े कल से ही घुमा रही हैं। एक छोटा ही छोटा बच्चा आया है हमारे घर में। दीदी इज फुली एंजॉयिंग द बेबी सीटिंग। नो, इट्स नॉट बेबी सीटिंग, हिज फैमिली। फैमिली सीटिंग विद बेबी, बेबी सीटिंग विद फैमिली। बेबी के जिम वाले भैया आ चुके हैं दोस्तों। देखिए भैया के बेबी मानसी मामा का फीमेल जिम में जाता है या मेल जिम में जाता है, देखते हैं। मैंने बोला नहीं करेगा ना, हम याद नहीं आएंगे। यूनिसेक्स जिम होता है मम्मी। नहीं नहीं, तो मामा का बदला इसी से लेंगे ना, मामा का बदला हमारे से लेना। फूफा जी ने रुला दिया यार, सबकी गोद में हंस रहा था। ये फूफा जी ने कैसी फूक मारी पता नहीं, रोने लग गया बच्चा। अरे क्या बात है, बुआ की आवाज सुन ली उसने, दैट्स व्हाई ही इज हैप्पी ना।
हैविंग ब्रेकफास्ट। भूख लग रही है इसलिए सोचा थोड़ा खाना खा लें। How are you?